कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक्चुअली सुचिता नाम है आपका? हाँ जी। हाँ, एक्चुअली जो कोडिंग डिकोडिंग होती है ये कितने टाइप से बना सकता है वो, या कितने टाइप से उसको कर सकता है, कौन कौन से वे हैं जिसमें वो कोड को क्रिएट कर सकता है? मेनली अगर मैं बात करूँ सो एक रहता है आपका लेटर बेस्ड, ओके लेटर। अब लेटर बेस्ड में क्या होता है सुचिता, कि वो जो भी कोड बनाएगा उसके अंदर वो क्या यूज करेगा, लेटर्स का यूज करेगा। और लेटर्स अपने पास कितने होते हैं? 26 अल्फाबेटिक, ओके। सेकंड वो ये जो यूज कर सकता है, वो जो यूज करेगा वो करेगा नंबर्स का, ओके। और जो थर्ड वो यूज करेगा वो सिंबल्स का यूज कर सकता है, जो एग्जामिनर है वो सिंबल्स का यूज कर सकता है, ओके? ओके, यस सर। इसके अलावा कौन कौन से जो लेटर्स हैं, या फिर ऐसा कौन सा कोई मेथड है जिसके अलावा वो यूज कर सकता है? मेनली वो इन्हीं तीन चीजों का यूज करता है, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे एक और पैटर्न है जिसका वो यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है मिक्स। मिक्स मतलब जो ऊपर लिखे गए हैं लेटर नंबर एंड सिंबल्स, इन तीनों का मिक्सिंग करके। व्हाट इज सुचिता? यस सर। ओके, नाउ जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो आपको जो मैं अभी कराऊंगा, अभी मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा, आपका जो बेस होगा वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग बैंकिंग लेवल तक जंप करेंगे, ओके? ओके सर। और सुचिता मेनली जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो वो बात करता है वर्ड बेस्ड, आपको एक वर्ड दे देगा, ओके, उसका कुछ ना कुछ कोड बना देगा एंड सेकंड वर्ड देगा, फिर उसका कोड पूछ सकता है, या फिर वो बात करेगा सेंटेंस बेस्ड, ओके, पूरा का पूरा सेंटेंस दे दिया, उसका कोड दे दिया, सेकंड सेंटेंस दे दिया, उसका कोड दे दिया, थर्ड सेंटेंस दे दिया, उसका कोड दे दिया, देन फिर वो क्या करेगा आपसे, उसके कोड्स के बारे में पूछेगा, उसके अंदर वो फिर है ना दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है उस चीज में। पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है, प्रॉपर उसमें से एक वर्ड निकालेगा और उस वर्ड का पूछ लेगा, जो भी सेंटेंसेस में उसने वर्ड यूज किए हैं उन वर्ड्स को वो निकालेगा और उसका कोड पूछ सकता है, गॉट इट? सेकंड वे में वो क्या कर सकता है, उन्हीं वर्ड्स को यूज करके एक न्यू सेंटेंस फॉर्म करेगा और उसका कोड पूछ सकता है, गॉट इट सुचिता? तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर एंड नंबर, हम कोशिश करेंगे लेटर और नंबर्स वाली कोडिंग डिकोडिंग लगभग जितने टाइप का एग्जामिनर बनाता है उतना वे मैं आपको बता सकूं, गॉट इट? वैसे तो सही बात बताऊं तो इन्फिनिटी है, वो कितने भी टाइप से कोडिंग डिकोडिंग बना सकता है, गॉट इट? बट मैं आपको कोशिश करूंगा आज तक जो एग्जाम्स में यूज किए गए हैं मैं सारी की सारी आपको कोडिंग डिकोडिंग बता पाऊं, ठीक है? हाँ, तो सुचिता पहले आप ये बताइए मेरे को, क्या आपको सभी के सभी अल्फाबेट्स ऑर्डरिंग याद है, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है? नहीं, वैसे याद नहीं है। हाँ जी बताइए। याद नहीं है। हाँ, ये याद होना बहुत जरूरी है सुचिता, बिकॉज ऑफ इन एग्जामिनेशन में आपको भी पता है आपके पास टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ते हैं विद एक्यूरेसी, राइट? ओके, ओके सर। हाँ, तो इसके लिए आप याद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो चलो एक बार थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं इनको, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपने कितने बताए? 26 कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है और जेड तक चलता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर S T U V W X
वाई जेड, दीज आर 26 अल्फाबेट्स। सुचिता अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ए कौन से नंबर पे आता है तो आप बता पाएंगे कौन से नंबर पे आता है? वन नंबर पे। बी सेकंड पे। सी थर्ड पे। डी फोर्थ। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये चार तो याद ही रहते हैं, ये चार अल्फाबेट तो याद, ये चार याद रहते हैं, ये सभी को याद रहते हैं एक्चुअली। और अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट में मेरे पास अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड, तो 26 अल्फाबेट होते हैं, तो जेड का नंबर कौन सा हो जाएगा? 26। वाई का कौन सा होगा? 25। एंड एक्स का? 24। यानी ये तीन भी आपको याद रहते हैं। हाँ। राइट, बट कभी कभार आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है ना सुचिता कि 24 पे वाई आता है कि एक्स आता है, लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ जी। तो इसका एक तरीका है याद करने का, देखिए अभी मैं x के अंदर कितनी लाइंस यूज करता हूँ, अगर मैं देखूँ तो मेरी एक लाइन ये होती है। हाँ। और दूसरी लाइन मेरी ये होती है। हाँ। जब मैंने आपस में ब्रेक कर दिया इन दोनों लाइनों को तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई? फोर। तो राइट, तो मैंने टू लाइंस को ब्रेकआउट किया और कितनी लाइंस बन गई मेरी? फोर। राइट, तो x कौन से नंबर पे आता है? 24। जब x 24 पे आता है तो y ऑटोमेटिकली किस पे आएगा? 25। तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि 24 पे कौन सा आता है और 25 पे कौन सा आता है? हाँ, बिल्कुल सही। चलिए अब ये तो साथ हमें याद रहते हैं, बाकी 20 का क्या करें? तो बाकी 20 भी तो याद करने। राइट। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तो आपने क्रिकेट मैच देखी आप? हाँ जी। क्रिकेट मैच में पहले वनडे चलता था, राइट? पहले वनडे मैच आते थे, फिर टेस्ट सीरीज आई, टेस्ट मैच आए। आजकल कौन से मैच चलते हैं? 2020। तो 2020 को आपने कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कभी भी लाइफ टाइम में, तो वो क्या लिखते हैं? T20। राइट। हाँ जी। तो टी कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो आप टी याद रहेगा? हाँ जी, याद रहेगा जी। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, अगर मैं अल्फाबेट्स में देखूं तो हमारे पास जो क्यू और आर एंड एस, ये तीन अल्फाबेट्स हैं। ओके। क्यू, आर और एस, ये तीनों के तीनों अल्फाबेट हमारे सीरीज में लाइन वाइज आते हैं अल्फाबेट्स में। अच्छा, आपने बचपन से पढ़ा है तो क्यू का मतलब हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है? क्यू माने क्वीन। आर से राजा। आर से राजा बोल सकता हूँ मैं। आर से राजा। हाँ। और एस से शादी। गॉट इट। शादी। हाँ जी। अभी देखिए हंसते हंसते खेलेंगे हम लोग, हंसते हंसते सारी चीज याद कर लेंगे। 17 साल की रानी की 18 साल के राजकुमार के साथ 19 तारीख को शादी हो गई। ठीक है। 17 साल की रानी की 18 साल के राजकुमार के साथ 19 तारीख को शादी हो गई, तो अब आपको याद रहेगा ना? हाँ जी। तो 17 साल की क्या थी? क्यूएन थी, यानी क्यू। 18 साल का राजकुमार था, यानी आर। 19 तारीख को शादी हुई, यानी एस। तो अब मेरे को ये तीन वर्ड और याद हो गए, 17, 18 और 19। राइट। हाँ जी। अच्छा, बाकी और भी याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो जी है, जब जी आप लिखती है तो उसमें कोई आपको न्यूमेरिकल समझ में आता है क्या? कोई न्यूमेरिकल अल्फाबेट दिखता है क्या? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिखती है, डिजिट? ये मैंने क्या लिखा? जी। नाइन। नाइन कहाँ दिख रहा है? नाइन नहीं दिखता। अभी आप देखिएगा क्या दिखा? सेवन। राइट, तो क्या है जी? कौन से नंबर पे आता है? जी सेवन। जी सेवन। और बाकी आपने अगर जी के पढ़ी होगी तो जी सेवन नंबर का इंटरनेशनल ग्रुप भी है जिसमें जी सेवन की बैठकें होती है, राइट? हाँ। तो आप दोनों वे में से किसी भी तरह याद कर सकते हैं कि जी कौन से नंबर पे आता है? सेवन। सेवन।
ओके नेक्स्ट हम लिखते हैं एक और, ये क्या है? H. H. अगर मैं इसको यहाँ से और यहाँ से भी क्लोज कर दूं तो ये कैसा डिजिट, कोई डिजिटल क्लॉक में कुछ डिजिट जैसा नजर आ रहा है? एट. एट, राइट. तो आपने कभी भी अगर रेलवे स्टेशन पे कोई भी घड़ी वगैरह देखी होगी तो उसमें ऐसा ही लिखा रहता है? हाँ. एट. तो एच कौन से नंबर पे आता है? एट नंबर पे. एट पे, बिल्कुल सही. ठीक है, अब इसमें एक अल्फाबेट ऐसा है सुचिता जो अपने आप को खुद बोलता है और बेफालतू चेप होता है. बेफालतू चेप होने का मतलब जानते हो? बेवजह किसी ना किसी को चेप होता है और हरदम ये कहता रहता है मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, एम मैं तेरा हूँ. बैक कौन से नंबर पे आ गया? 13 पे. ठीक है, अभी मैं इसी में अगर एम का कोई भाई ढूंढना शुरू करूँ या एम की कोई मैं वॉटर इमेज देखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? W. W, बिल्कुल सही बात. W. और W क्योंकि M से बड़ा है और M का भाई है. हाँ. कितने साल बड़ा इससे? हाँ. 10 साल बड़ा. 10 अगर साल. ये 10 साल बड़ा हो गया तो कौन से नंबर पे आ गया W? 23 पे. राइट, ठीक है. तो आपको ये सारे के सारे याद हो गए? हाँ जी, याद हो रहे हैं. एक याद भी हो रहे हैं अभी भी और आप एक बार रिपीटेशन करेंगी बाद में तो आपको ये अच्छी तरह पूरे के पूरे याद हो जाएंगे. गॉट इट? हाँ जी, हाँ जी. चलिए, मैं सुचिता इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ पाएंगे. क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में पूरा का पूरा गेम होता है किस चीज का, आपका एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का, सब्ट्रैक्शन का. ओके, इसमें पूरा का पूरा मेथड ऑपरेशन यूज किया जाता है. ओके सर. तो अगर अब मैं आपको ये बोलूं कि बी में 2 प्लस कर दो, क्योंकि आप बी में 2 प्लस कर पाएंगे? आपको टाइम लगेगा ना सोचने में. लेकिन अगर मैं बोलूं 2 में 2 प्लस कर दो तो कितना होगा? 4. यानी आप अल्फाबेट को इतनी जल्दी से एडिशन नहीं कर सकते जितना जल्दी से आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को एडिशन कर सकते हैं, राइट? हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत सी जगह यूज करेगा, सबकी जगह हेल्प करेगा. ऐसी बात नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग में ये आपको, आप अगर अभी बैंक का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये आपको इनपुट आउटपुट में भी हेल्प करेगा. ओके ओके. तो एल को हम कैसे याद करेंगे? लालू के 12 बच्चे. कितने? लालू के 12 बच्चे. बिल्कुल सही. हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, बस हमें याद करने का मतलब है. ठीक है. Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट वे में अगर आपको कोई चीज पता है, कोई चीज आपको पता है और अगर मैं आपसे वही चीज बताऊं दोबारा तो आप क्या बोलोगे? मुझे मालूम है, यही बोलोगे? हाँ, और मुझे मालूम है इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई नो. आई नो. आई नो. आई नो. तो आई कौन से नंबर पे आ गया? 9 पे. अच्छा, जिंदल इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? जिंदल ग्रुप का. हेलो. हेलो. हाँ, जिंदल ग्रुप एक्चुअली क्या है? जिंदल स्टील्स का है. ठीक है, तो उसका पूरा नाम क्या है आपको पता है? ओपी जिंदल. पूरा नाम क्या है? ओपी जिंदल. तो ओपी जिंदल की कितनी कंपनियां है? 15-16. कितनी है? 15-16. हाँ, ओपी जिंदल की कितनी कंपनियां है? 15-16. तो ओपी भी याद रहेगा आप, ओ 15 नंबर पे और पी 16 नंबर पे. ठीक है. अच्छा, एक और चीज है आपको अगर मैं बताऊं कि ये मैंने क्या लिखा है फाइव और लास्ट में कौन सा अल्फाबेट है? ए. कौन सा अल्फाबेट है? ए. ए. तो 5 नंबर पे क्या आता है? ए. ये याद रहेगा आप? हाँ जी. दूसरा, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? ई को लिखने में हम कितनी लाइंस का यूज करते हैं? ये एक लाइन हो गई, ये दो लाइन हो गई, ये तीन लाइन हो गई, ये चार लाइन हो गई और ये पांच लाइन हो गई. गॉट इट? तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो ई कौन से नंबर पे आता है. राइट सुचिता? ठीक है. दूसरा, अगर हम ये बात करें, आपने कंप्यूटर यूज करते हो? हाँ, स्काइप पे हो तो कंप्यूटर यूज करते होगे. तो उसमें एक फंक्शन क्या होती है? राइट, फंक्शन की होती है. हाँ, उसमें एक फंक्शन की क्या होती है? एफ
सिक्स। F6, हाँ तो F कौन से नंबर पे आता है? सिक्स पे। और दूसरा आप इसको याद कर सकते हो फिक्स इट से, फिक्स इट ऐड आती है फिक्स इट, हाँ तो फिक्स इट। जब आप मैसेंजर्स पे या फिर उस पे क्या नाम है व्हाट्सएप पे बात करते हो तो हरदम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हो ना, हाँ तो ये फिक्स इट, तो फिक्स इट। गॉट इट? ओके सर। तो आप हाँ जी। ऐसे भी याद कर सकते हो कि F कौन से नंबर पे है, सिक्स पे। सुचिता अब जे जे बचा अपने पास, हाँ जी। ये मैंने क्या लिखा है, किसी का नाम? जतिन। जतिन, और लास्ट में क्या आ रहा है? टेन। टेन, तो जे कौन से नंबर पे आता है? टेन पे। टेन पे। अच्छा सुचिता आप कहाँ से बिलोंग करती हैं वैसे? बिहार से। बिहार से, ओके। एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, हाँ। आप ये ऐसे याद कर सकती हो कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, के। एक्चुअली क्या होता है सुचिता, जो हरियाणा से बिलोंग करता है ना, हाँ। वो क्या है कि अभी मैं आपसे पूछूंगा कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है, मैं ये पूछूंगा ना, मैं अगर हाँ, आपसे क्वेश्चन ओके पूछूंगा, है बोलेंगे। हाँ तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है, ठीक है? है लेकिन अगर कोई हरियाणा से है ना, वो आपसे पता क्या पूछेगा कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, के है। हाँ, और अब वो यस क्या, सर। अब वो क्या रिप्लाई देगा जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, वो रिप्लाई देगा कि के है ना। तो यहाँ पे एक लॉजिक स्टार्ट ये हो जाता है कि जब वो मेरे से ये पूछेगा कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है और मैं उसको यही जवाब दूंगा के है, तो वो ये पूछेगा मुझसे, यार मैंने क्वेश्चन तो तुझसे यही पूछा है ना एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, तो मुझे वापस क्वेश्चन पूछ रहा है। गॉट इट? यस सर। तो इसको याद कर लो, एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। अब हमारे पास बचते हैं सुचिता एक तो एन यू और जी, राइट? आई होप जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जंप करें यू और वी को, आप व्हाट्सएप और मैसेंजर यूज करते हैं? हाँ जी। जब आपको ये यू लिखना होता है तो आप इस यू का यूज करते हैं? हाँ। इस यू की जगह आप इस यू का यूज करते हैं, राइट? हाँ जी। सेम वे में शॉर्टकट में इस वी की जगह आप ये वी यूज करते हैं, हाँ। तो यू माने क्या होता है? तुम। हम, सॉरी, हम। यू माने होता है तुम या तू, तुम। दोनों तुम। को बोल सकते हैं, दोनों को ही बोलते हैं ना। हम्म। जैसे आप लोग बिहार से हो तो आप लोग मतलब बड़े शिष्टाचार से बात करते हो, लेकिन हरियाणा वाले तू तुड़ाक करके ही बात करते हैं। तो यू माने तुम होता है, वी माने हम होता है। अगर आपस में लड़ाई हो जाए दो बंदों की तो हरदम क्या होता है, क्या बोलते हैं? भाई अगर तुम 21 हो तो हम क्या है? 22। तो यू कौन से नंबर पे आ गया? 21 पे। और वी कौन से नंबर पे आ गया? 22 पे। ओके, जब आप 14 बोलते हैं, 14, तो लास्ट में किस अल्फाबेट की प्रोनाउंसिएशन आती है? 14, N. N की? हाँ। राइट? तो N कौन से नंबर पे आ गया? 14 पे। 14. So, सुचिता, हमने अभी पूरे के पूरे सभी के सभी अल्फाबेट याद किए, राइट? और एक न्यू वे में याद किए। और मुझे नहीं लगता कि कभी आपको किसी ने और ने बताया होगा 26 अल्फाबेट याद करने का। नहीं होता था। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, दिन में एक बार इन्हीं सबको चीज़ों को सोचना है और अल्फाबेट याद करने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं बोलता कि अभी एकदम okay, सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है? ये है कि अगर आप दिन में एक बार करोगे या दिन में दो बार करोगे तो दो दिन में आप सभी अल्फाबेट याद हो जाएंगे, कौन सा अल्फाबेट याद करना। ओके सर, हाँ जी। अब क्या होगा सुचिता, ये तो हम लोगों ने कैसे याद किया अल्फाबेट सेम ऑर्डर में, हाँ। ए को वन बोला है, बी को टू बोला है, सी को थ्री बोला है, डी को फोर बोला है, ऐसे याद किया है, हाँ।
अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में याद करने को बोलूँ तो, क्योंकि तो रिवर्स ऑर्डर भी तो यूज होता है, रब कर दूँ मैं इसको? हाँ जी रब कर दीजिए। रिवर्स ऑर्डर में याद करने का मतलब होता है सुचिता कि अगर मैं जड़ को वन बोलूं, ओके, वाई को टू बोलूं, एक्स को थ्री बोलूं, ऐसे करते करते अल्फाबेट याद करने हो तो मुश्किल आप सीधे अल्फाबेट याद कीजिए जो मैंने पहले याद कराए थे, सिर्फ वो याद कीजिए, उल्टे अपने आप याद हो जाएंगे। उल्टे याद करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, एक चीज याद रखेंगे 27,